महाराज हरिचंद्र से विश्वामित्र ने जवाब दिया, तुम जा अपनी तारा को पूछ आओ तुम्हारे साथ में बिकेगी या नहीं बिकेगी। महाराज हरिचंद्र जैसे ही पहुंचे तो तारा आरती का थाल सजाए हुए थी। जैसे ही पति को आता हुआ देखा, पकड़े हुए सामने, जैसे आरती का थाल की आरती करने के लिए चली, महाराज हरिचंद्र ने हटा दी, जवाब दिया इस पे हक मेरा नहीं है। क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? और पास में बैठे गए। जैसे ही पास में बैठे तो महाराज हरिचंद्र से मैया तारा ने सवाल किया, पिया क्या बात है, क्यों चेहरा तुम्हारा उदास है? मैया बोली, क्यों उदास हो, इस उदासी का कारण क्या है? महाराज हाँ, एक साधु आए हैं, साधु प्राण प्रिय, उन्होंने दान में राजपाट सब ले लिया है और 60 बार सोना और मांगा है, ऋण बाकी है। 60 बार सोना और चाहिए? तुम हमारे साथ बिक सकती हो पिया? हाँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम तो हम तो ऐसे पूछ रहे, मैं किसी की और की स्त्री हूं, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। सुनो महाराज, इस तन पर है अधिकार पिया, और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए, अधिकार पिया,
भैया मैया। तारा ने जवाब दिया पिया कि इस तन पर है अधिकार पिया, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए और बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो मैं किसी घर की पत्नी, पर लेकिन परीक्षित महाराज आज के कलयुग में अगर किसी माता से अगर पूछा जाए क्या तुम हमारे साथ में बिकोगे, जवाब उंटोई वरियो मिले तुम बिच जा चे तुम्हारी मैया बिच जाए चे तुम्हारी बिचे बहना, हम ना इन्ना सही अंत सही, झोला उठाओ पट पे मई के पहुंचे। कहते हैं ना धीरज धर्म और मित्र और नारी, आफत काल पर की उचारी, विपत काल में स्त्री साथ दे तो वही तो स्त्री है। मेरे भक्त श्रोताओं कहते हैं ना देखो, तारा ने जवाब दिया इस शरीर के टुकड़े करवा दिए जाए तुम्हारे लिए, फिर भी पीछे कदम नहीं रखो। जवाब दिया ठीक है मुझे तो आज थी तुम्हारे ऊपर लेकिन नहीं। पुत्र रोहिदास आ गया, जवाब दिया पिताजी तुम यहां खड़े हो। जवाब दिया क्यों क्या हुआ कि द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है और उसका भी कर्ज चुकाना है, हम भी बिके तुम भी बिको पर धर्म को नहीं बिगाना है। पिताजी हमको भी बेच दो, मेरी मैया को भी बेच दो, खुद भी बिच जाओ लेकिन बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। मेरे भगवत श्रोताओं हुआ क्या, तीनों प्राणी जैसे ही चले। महाराज हरिचंद्र तारा पुत्र रोहिदास जैसे ही विश्वामित्र के सामने पहुंचे, जवाब दिया मैं बिकने के लिए तैयार हूं। जवाब दिया पागल है, अरे इन राशि वस्त्रों में तुम्हें कौन खरीदेगा, ये राशि वस्त्र उतार के आ। वो स्त्री अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई, बाहरी भैया पर लेकिन हाँ तो ठहियो अपने पति के चरण स्पर्श कौन कौन करती है, पंडाल में बैठी माताएं हाँ तो ठाड़ो करो ऊपर नाई छुवती धन्य है, सास ससुर के को छुवती, अरे भैया कात नहीं कलियुग कहां है, कलियुग यही दिखाई दे जाते हो। कलियुग ने कही थी जहां सास ससुर को झगड़ा हो तो सास बहू को, जहां शराब पी जाए जहां बैसिया नचती हो वहां रहो, जहां सास बहू को झगड़ा हो तो वहां रहे हो, अब नहीं मालूम पड़ गई तुम्हारी सास होते बंत नहीं हुए नहीं तब वही पाई नहीं छुए जाते, देखो गलत है क्योंकि बताया है स्त्री स्त्री के लिए कहीं पूजा नहीं बताई है परीक्षित महाराज, केवल स्त्री के लिए।